हेलो क्लास, वेलकम टू आवर LFS ऑनलाइन क्लास। माय सेल्फ संध्या तिवारी, योर ज्योग्राफी टीचर। वी आर ऑन चैप्टर 5 एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वी स्टडीड अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द सेकेंड वन दैट इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट एंड थर्ड वन दैट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। And also we studied about mountain forest. Today we are going to start last, that is forest, mangrove forest. Okay, this is the last vegetation of this types of vegetation. Which one? Mangrove forest. Okay, in this the mangrove tidal forest are found near the coast areas of a coast, and that area influenced by tides. Okay, so let's start. Open your book. Mangrove forest. The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. ये जो mangrove tidal forest है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उन एरियाज में पाया जाता है, जैसे कि आपका सी कोस्ट एरियाज में, जिसके किसका असर होता है उसके ऊपर, इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, वो एरिया टाइड से प्रभावित होता है। सी कोस्ट एरिया टाइड से प्रभावित होता है। मड एंड सिल्ट गेट एक्युमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, और मड भी इकट्ठा होता है प्लस सिल्ट भी इकट्ठा हो जाता है उस सी कोस्ट एरिया में। ये सब सारी चीजें एक्युमुलेट होती हैं, यानी एकत्रित हो जाती हैं। डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज। जो डेंस मैनग्रोव है, ये क्या है? यहाँ की कॉमन वेराइटीज है। विद रूट्स ऑफ द प्लांट समर्स्ड अंडर वाटर, और उस रूट जो प्लांट्स का जो रूट है वो किसके अंदर समाया रहता है? पानी के अंदर समाया रहता है। सबमर्स्ड मीन्स पानी के अंदर समाया रहता है, घुसा रहता है। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, किसकी बात कर रहे हैं? द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। ये सब एरियाज किस वेजिटेशन से कवर हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट। विच एरियाज बेटा? द गंगा, द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द कावेरी एंड द गोदावरी। ओके, इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। आप जब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखेंगे तो किस टाइप की ट्रीज आपको दिखाई देंगे? सुंदरी ट्रीज, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो कि इससे, इस ट्री से हमें लॉन्ग लास्टिंग टिम्बर मिलते हैं। इस पेड़ से हमें किस प्रकार की लकड़ी मिलती है? टिम्बर, लट्ठे मिलते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत दिनों तक लास्टिंग करने वाली। पाम, कोकोनट, कोयरा। कोयरा क्या होता है? एक सुगंधित तेल होता है, पानी होता है, जैसे कि आप कभी गुलाब जामुन बना हो, बनता है या कोई, तो उसमें डालते हैं लोग, ठीक है। क्योरा, ऑगर ईटीसी आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टाज। इन्हीं कुछ डेल्टाज में ये भी ग्रो होते हैं, इस टाइप के पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। इस मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो मेन एनिमल है, ये क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा, क्या नाम है? रॉयल बंगाल टाइगर। टर्टल्स भी पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं, घरियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। These are the animals which are found in this forest. In which forest these animals are found? In mangrove forest. Okay. Uh,
okay, so like its flora, India is also rich in its fauna. जिस तरह से इंडिया फ्लोरा में रिच है, इसी तरह से इंडिया हमारा फाउना में भी रिच है, यानी एनिमल किंगडम में भी, स्पीसीज में भी रिच है. इट हैज अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज. लगभग हमारे यहाँ कितने प्रकार के एनिमल स्पीसीज हैं? 90,000 एनिमल स्पीसीज फाउंड इन आवर कंट्री, मीन्स इन इंडिया. The country has about 2,000 species of birds. और हमारे यहाँ कितने प्रकार के species of birds हैं? 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. ये world के total में से कितने percent हमारे यहाँ के हैं? 13%. There are 2,546 species of fish. और कितने प्रकार के fish हैं? 2,546, which account for nearly 12% of the world's stock. जो कि दुनिया के पूरे में से 12% हमारे इंडिया से है. It also shares between 5-8% of the world's एम्फीबियंस. और यही नहीं, एम्फीबियंस में भी 5-8% तक हमारे इंडिया का भागीदारी होता है. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ओके, सो टुडे ओनली दिस मच. हियर्स योर होमवर्क, लर्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1. ओके.